السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون। इस प्रोग्राम को सुनने वाले हमारे काबिले एहतराम बुजुर्गाने दीन नौजवानाने मिल्लते इस्लामिया अजीजों साथियों दोस्तों और प्यारी उम्मत की माओ बेटियों और बहनों, अल्लाह ताला इस माहे रमदानुल मुबारक के अंदर हमें अपने अकायद को सही करने इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए और रब्बुल आलमीन हम सबों को और हम सबों की जुर्रियत को सारे लोगों को कुफ्र और शिर्क नीस कुफ्र और शिर्क के रास्तों से और कुफ्र और शिर्क की तरफ दावत देने वाली किताबों और लोग अशखास से मामून और महफूज रखे आमीन। यकीनन आज का मौजू है माहे रमदान और शिर्क से आगाही। हम में से हर आदमी रोजा रखता है, उसकी नीयत है कि अल्लाह कबूल करके रोजों का सिला और बदला अता फरमाए। तरावीह पढ़ता है, उसकी भी नीयत अल्लाह ताला से मगफरत और बख्शिश हासिल करना। कुरान की तिलावत करता है ताकि ये कुरान रोजे कयामत उसके लिए सिफारिशी बने। तौबा और इस्तगफार करता है ताकि उसकी गर्दनों को जहन्नम की शोला जन आग से आजाद कर दिया जाए। लेकिन इन मकासद में खातिर खाह कामयाबी के लिए जरूरी और वाजिब है कि हम उन चीजों से भी माह रमदान के अंदर हो या पूरी जिंदगी में, रोजों की हालत में हो या बिना रोजे के, तरावीह की अदायगी की हालत हो या किसी भी हालत में, उन सारी चीजों से अपने आप को बचाए महफूज रखें जिनसे अल्लाह ताला सारे अमलों को जाया और बर्बाद कर देता है। मिसाल के तौर पर रमजान के रोजे की हालत में, रमजान के दिनों में 4 गिलास शरबत पीने से भी रोजा टूट जाएगा और जानबूझकर कसद व इरादा से एक सुई के नोक के बराबर एक कतरा भी हलक के नीचे पानी उतारने से रोजा टूट जाएगा। यहां ज्यादा और कमी का कोई फर्क नहीं है। एक जानबूझकर कसद व इरादा के साथ हमने सुई के नोक के बराबर एक कतरा पानी लिया, हलक के नीचे उतारा, रोजा टूट जाएगा। 4 गिलास पिया तब भी रोजा टूट जाएगा। ऐसे ही कुछ गुनाह हैं
जो चाहे भारी मात्रा में पाए जाए, भारी मकदार में पाए जाए या मुख्तसर और मामूली, सारा अमल जाया और बर्बाद हो जाएगा। अमलों को जाया और बर्बाद कर देने वाली चीजों में से एक चीज है शिर्क। शिर्क चाहे वो अकबर हो जो सारे अमलों को जाया और बर्बाद कर देगा, और चाहे छोटा शिर्क हो वो उस अमल को जाया और बर्बाद कर देगा जिसके अंदर वो छोटा शिर्क पाया जाए। माह रमदान का रोजा हमें ये तालीम देता है कि हम अपने अकीदे की इस्लाह करें और अपने अमलों को शिर्क से और कुफर से बचाएं। दलील मेरी, अल्लाह ताला ने रोजे को फर्ज किया है, लअल्लकुम तत्तकून, उसका मकसद बतलाया है कि ताकि तुम लोग मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ, और कोई भी कुफ्र करने वाला, कुफ्रिया अकीदा रखने वाला, शिर्क करने वाला, शिर्क की तरफ दावत देने वाला, शिर्क की तायीद करने वाला, अपने अमल और अकीदों में शिर्क करने वाला परहेजगार नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला रोजों के अंदर इखलास चाहता है कि वो इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो, और इबादत के अंदर अल्लाह के किसी भी मखलूक को जर्रा बराबर हिस्सादार, भागीदार, शरीको साझीदार ना किया जाए। जैसा कि हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला अता करूंगा। माह रमदान के रोजे को फर्ज करने वाले मौला ने हमें और आपको शिर्क से रोका है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी उम्मत मुस्लिमा अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी अक्सरियत सौम व सलात, रोजे और नमाज और दीगर इबादतों की पाबंद है, लेकिन अकीदों में, इबादतों में उनके अंदर शिर्क अकबर भी पाया जाता है और शिर्क असगर भी पाया जाता है, जिससे उनकी सारी मेहनत, सारी जुस्तजू और तलाश रायगा और बर्बाद और बेमनफात हो जाती हैं। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि हम अपने भाइयों को शिर्क की खतरनाकी और शिर्क के बारे में आगाह करें, ताकि उनकी इबादतें कबूल हों और उनका जो रब्त और ताल्लुक रब्बे कायनात से, जो वहदहू ला शरीक है, होना चाहिए वो हो, और उन चीजों से हमारे भाई बचें जो अल्लाह ताला का सबसे गंदी, सबसे घिनौनी और सबसे खतरनाक और सबसे बेकार चीज है, और वो है शिर्क है। मेरे भाइयों, साथियों, आप इस बात को जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जानना चाहिए। शिर्क कहते हैं पार्टनरी, साझेदारी, हिस्सादारी। और पार्टनरी कौन इख्तियार करता है, साझेदार कौन रखता है? जो कामिल और मुकम्मल ना हो, जो हर चीज पर ताकत ना रखे, बल्कि अगर ये कहा जाए शिर्क की असल कमजोरी है, शिर्क की असल कमजोरी है, कमजोर लोग ही अपने मामलात में साझा करते हैं, भागीदार बनाते हैं, हिस्सादार बनाते हैं, है बात कि नहीं? और अल्लाह हमारा कमजोर नहीं है, कुदरत वाला है, वो किसी का मोहताज, हाजतमंद और जरूरतमंद नहीं है। तो शिर्क कहा जाता पार्टनरी को, शराकत को, साझेदारी को और भागीदारी को। और शरीयत के इस्तिलाह में शिर्क का मुख्तसर मफहूम यह है, अल्लाह ताला के अलावा को अल्लाह ताला के साथ अल्लाह मान लेना, इबादत के लायक मान लेना और इताअत और बंदगी के लायक मान लेना, ये शिर्क है। और कुरान करीम के अंदर और सलफे सालहीन की मुख्तलिफ किताबों के अंदर ये बात वाज़े की गई है कि इबादतों में से कोई भी इबादत, बंदगी में से कोई भी बंदगी, चाहे बड़ी इबादत बड़ी बंदगी हो,
चाहे छोटी इबादत छोटी बंदगी हो। अल्लाह ताला के अलावा को छोड़कर गैरुल्लाह के नाम करना वलियों के लिए, नबियों के लिए, फरिश्तों के लिए, किसी दिगर मखलूक के लिए, ये शिर्क है। जब शिर्क बोला जाता है तो इसका यही मालूम होता है कि इबादतों में से कोई भी इबादत या इबादत का कोई भी भाग और हिस्सा ये अल्लाह ताला के अलावा के लिए करना, और जिसने ऐसा किया यकीनन वो शिर्क के अंदर वाकई हो गया। मेरे भाइयों और दोस्तों और बहनों, आप नाराज ना हो शिर्क के बारे में बयान सुन करके। अल्लाह की कसम, अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की वहदानियत, रुबूबियत, उसके नेक नामों और खूबियों की कसम खा करके मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि शिर्क सबसे अजीम तरीन गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है, गंदगी में, बदबू में सबसे बड़ी गंदगी है शिर्क, सबसे बड़ी बदबू है शिर्क। शिर्क से बढ़कर कोई गुनाह नहीं, कोई भी गुनाह शिर्क से बढ़कर नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, चाहे वो शिर्क अकबर हो और चाहे वो शिर्क असगर हो। अल्लाह ताला ने इसीलिए सूरह बकरा के अंदर, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 22 के अंदर अल्लाह ताला ने हमें और आपको बबागे दोहल ऐलान किया है, हुक्म दिया, फला तजअलू लिल्लाही अंदादा व अंतुम तअलमून। अल्लाह ताला के लिए तुम लोग शरीक को साझीदार, भागीदार, हिस्सादार नित्य न बनाओ, हालांकि तुम लोग जानते हो। लेकिन यहां यह भी जान लेना चाहिए कि एक आदमी बसा औकात तौहीद पर रहने के बावजूद बहुत सारे शिर्किया उमूर, बातिल अकायद और नजरियात में वाकई हो जाता है। तो शिर्क ये सबसे बड़ा गुनाह है, और अल्लाह ताला ने हमें और आपको कुरान करीम की एक आयत के अंदर नहीं, मुख्तलिफ आयतों के अंदर शिर्क से रोका है। शिर्क को अमलों के जाया और बर्बाद करने का अमल बतलाया है, शिर्क के नतायज को बतलाया, शिर्क की खतरनाकियों को बतलाया है, और कुरान मजीद के अंदर बेशुमार आयतें भरी पड़ी हैं जिन आयतों के अंदर शिर्क से आगाह कराया गया है, डराया गया है, बचने का हुक्म दिया गया है, और शिर्क की खबासत, शिर्क की कबाहत, शिर्क की खतरनाकी को वाज़ह किया गया है। और कुरान करीम की मुख्तलिफ आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने मुशरिकों का नतीजा और रिजल्ट बतलाया है, उनका अंजाम बतलाया है कि मुशरिकों का रिजल्ट जहन्नम है, मुशरिक जहन्नम के अंदर जाएंगे, उनका अंजाम ये होगा। मेरे भाइयों और साथियों, रमजान मुबारक के रोजों का यह तकाजा है कि हम अपने आप को, अपने अहलोयाल को, अपने समाज और मुआशरे को शिर्क से आगाह करें, शिर्क से बचाएं। ये बात अगर मैं कहूं तो आप नाराज ना हो कि आप कितने भी बड़े नेक इंसान हो, सारे फर्ज इबादतों के आप पाबंद हैं, सारे मुस्तहब इबादतों के आप पाबंद हैं, सारे सुनन इबादत के आप पाबंद हैं, अखलाक और किरदार में आपका कोई मिसाल नहीं है, और नबी की सुन्नत के मुताबिक आप अमल करते हैं, लेकिन अगर अकीदे में, अमल में, कौल फेल में शिर्क है, तो वो आप सबसे घटिया, बुरा, गंदा और बदबूदार इंसान है। आपके पैदा करने वाले अल्लामुल गयूब
जो अकेला है, जिसका कोई शरीक को साझीदार नहीं है, अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के नजदीक। ये बात जाने रखिएगा। इसीलिए जब आप कुरान करीम का मुताला करेंगे और कुरान करीम की शिर्क के सिलसिले में वारिद रिवायत आयात को पढ़ेंगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि अल्लाह ताला ने एक नहीं कई आयतों के अंदर शिर्क से आगाह किया है, शिर्क से रोका है, शिर्क का अंजाम बतलाया है, मुश्किन का रिजल्ट क्या होगा, मुश्किन का अंजाम क्या होगा, अल्लाह ताला ने फरमाया। आइए आज के इस दर्स में हम चंद आयतों को लोगों की आंखों को खोलने के लिए कुरान करीम की आयतों का हवाला देते हुए पेश करते हैं, इस अदब और गुजारिश के साथ कि जो भी मेरा ये बयान सुने, कुरान करीम को खोले और उसकी तफसीर तफसीर इब्ने कसीर के अंदर देखे या अहसनुल बयान के अंदर देखे, ये दो तफसीर का नाम मैं बतलाऊं और तर्जमा और उसकी तफसीर खुद पढ़ ले। मेरे भाइयों, कुरान का समझना जरूरी है, कुरान का माना मतलब मालूम करना जरूरी है, क्योंकि यह कुरान अल्लाह का पैगाम है उसके बंदों के नाम। आइए आप खोलिए सूरह निसा, लिख लीजिए सूरह निसा आयत नंबर 48 48। सूरह निसा आयत नंबर 48 48 अल्लाह ताला शिर्क की के बारे में जो बराअत जाहिर किया है कि ऐसे लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों से मेरा कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं, मैं इसको कभी भी शिर्क करने वालों को मैं कभी भी छोड़ने वाला नहीं ना माफ करने वाला हूं, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहा ला यगफिरु अन युशरका बिह, अल्लाह ताला कतअन माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। मरने के बाद दुनिया में तौबा किया तो माफ हो जाएगा, दुनिया में अगर तौबा कोई कर लिया तो माफ हो जाएगा, लेकिन अगर इस गलत काम के साथ अल्लाह ताला से मुलाकात किया तो माफ नहीं करेगा। किस चीज से? अयुश्रका बिह, कि उसके साथ शिर्क किया जाए, अल्लाह ताला के साथ कोई शिर्क करके अल्लाह ताला से आखरत में मुलाकात करे और दुनिया के अंदर उसको शिर्क से तौबा करने की तौफीक ना मिली, उसने तौबा ना किया तो अल्लाह नहीं माफ करेगा। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला को शिर्क इतना ना पसंद है, इतना ना पसंद है अल्लाह के यहां, इतना ये घिनौना और बड़ा जुर्म और जुर्म अजीम है कि अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह निसा के आयत नंबर 48 के अंदर कह दिया, मुसलमानों कुरान को पढ़ने वालों ध्यान रखो, शिर्क करके आए तो मेरे यहां मुआफी नहीं है, जन्नत जहन्नम से निजात और छुटकारा नहीं है, अदाब कब्र से तुम्हें बचाव नहीं है, वयगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और शिर्क के अलावा कोई गुनाह लेकर के आया तो अल्लाह जिसके लिए चाहेगा उसे माफ कर देगा। हाफिज इब्ने कथीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर इब्ने कथीर की इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने खबर दे दिया है कि वो ये बतला दिया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला इस बात को कतअन नहीं क्षमा करेगा, माफ करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। कोई भी अल्लाह का बंदा अल्लाह ताला से मुलाकात किया आखिरत में, अल्लाह के दरबार में उसकी हाजिरी हुई और सबकी होनी है, और वो मुशरिक है, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला है, चाहे छोटा शिर्क हो चाहे बड़ा शिर्क हो, छोटा शिर्क या अमलों को जाया बर्बाद कर देता है, निहत्ता हो जाता है, तो मुशरिक को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। और फतहुल मजीद जो किताबुत तौहीद की शरह है, शारे ने इसके बारे में फरमाया इस आयत की तफसीर में,
कि इस आयत करीमा से यह बात मालूम हो गई कि शिर्क सबसे अजीम गुनाह है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने खबर दे दी है पहले ही कि वो इसको नहीं माफ करेगा सिवाय उसके जो तौबा कर लिया हो। बिना तौबा के जो गया अल्लाह के यहां वो माफ नहीं करेगा, और उसके अलावा जो भी गुनाह हो ये अल्लाह चाहे तो वो माफ कर सकता है, अल्लाह की माफरत कुशादा। लेकिन शिर्क वालों के लिए अल्लाह माफ कभी भी नहीं करेगा, जहन्नम उसके लिए वाजिब हो जाएगी। इससे पता चलता है कि एक इंसान को शिर्क से और शिर्क की खतरनाकी से किस अंदाज से डरना और बचना चाहिए, शिर्क की गंभीरता से किस तरह हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। क्योंकि ये गंदगियों में, बदबू में, बुरी चीजों में सबसे बड़ी चीज बुरी चीज है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि हर तरह के जुल्म, ज्यादती, ना इंसाफी, हर तरह के बड़े बड़े जुल्म, बड़ी बड़ी ज्यादती, बड़ी बड़ी नाइंसाफियों में यह सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ी नाइंसाफी है। बल्कि शिर्क के अंदर अल्लाह ताला जो रब्बुल आलमीन है, जो अरहमुर रहमीन है, जिसके नाम से हम हर काम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस रब की बेइज्जती करना है शिर्क के अंदर, उसके कद्र को घटाना है और उसके हक को, अल्लाह के हक को, अल्लाह के अधिकार को, अल्लाह के इख्तियार को अल्लाह से फेर कर, अल्लाह से छीन कर दूसरों की जानिब जो अल्लाह ही के मोहताज है, जो अल्लाह के मखलूक है, उनको देना है। मेरे भाइयों और साथियों, शिर्क करने वाला जो आयत करीमा इन्नल्लाह ला यफ़रम अयुशका भी ये पता चला कि शिर्क करने वाला अपने लिए, सुनिएगा, शिर्क करने वाला अपने लिए अल्लाह ताला की मगफरत से के लिए दरवाजा बंद कर लेता है, जन्नत का दरवाजा अपने लिए बंद कर लेता है, अल्लाह की उखरवी रहमत का दरवाजा अपने लिए बंद कर देता है। शिर्क करने वाला अपने लिए एक बहुत ही मजबूत गेट लगाता है जो गेट उसे अल्लाह की मगफरत से रोक दे, अल्लाह की जन्नत से रोक दे, आखिरत के अंदर अल्लाह की रहमत से रोक दे, और उसकी कोई इबादत, उसकी कोई ताअत, उसकी कोई फरमाबरदारी उसे नफा बख्श, उसके लिए नफा बख्श ना हो सके। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया इन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इस तरह से और बहुत सारी आयतें कुरान करीम के अंदर हैं। खोलिए मेरे भाई और साथियों एक बार और पढ़िए सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13। अल्लाह ताला ने क्या कहा, शिर्क को कितने खतरनाक और भयानक अंदाज में अल्लाह ताला ने पेश किया है, हम समझना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 के अंदर क्या, इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। यकीनन शिर्क हकीकत में सबसे बड़ा जुल्म है। और शिर्क मैंने बतलाया सुनो में कि वो इबादतें, वो दुआएं, वो नजरों नियाज, वो फरियाद, वो चढ़ावा, वो उम्मीद, वो खौफ जो अल्लाह ताला ही को सजावार है, जो अल्लाह ताला ही के लायक है, जो अल्लाह ताला ही को जेब देता है, जिसका हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, उसे थोड़ा या ज्यादा या पूरा उठा करके अल्लाह की मखलूक की तरफ फेर देना, चाहे वो अल्लाह की मखलूक नबी हो, अंबिया हो, चाहे फरिश्ते हो, चाहे औलिया हो, चाहे बुजुर्गान दीन हो, चाहे सुलहा हो, चाहे जिंदा हो, चाहे मुर्दा हो, चाहे इंसान हो, चाहे हैवान हो, चाहे शैतान हो, चाहे जमादात हो, चाहे पेड़ और पौधे। दुआ इबादत है कि नहीं?
इसका हक किसका है? सिर्फ अल्लाह ताला के हमद व सना की जाए, अल्लाह का जिक्र अज़कार किया जाए, अल्लाह ही से मांगा जाए, अल्लाह ही से लौ लगाई जाए, अल्लाह ही से डरा जाए, है कि नहीं है? ये अल्लाह हमारा खालिक, इसलिए उसका हक है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। और हम दुआ में क्या करते हैं? बर्द जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर हम ना जाएंगे खाली। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसके अंदर खाली झोली के भरने की फरियाद किससे की जाती है? अल्लाह से, कि अल्लाह के किसी अजीम तरीन मखलूक से? फैसला लीजिए। तो शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, जुल्म की फहरिस्त, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ज्यादती की फहरिस्त, बड़े बड़े जुल्म की फहरिस्त, आप बड़ी बड़ी दहशतगर्दी की फहरिस्त आप तैयार कर ले, उन सारे में सबसे अजीम दहशतगर्दी, दहशतगर्द, जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ना इंसाफी, ये शिर्क। क्यों? किसने आपको पैदा किया? ये जमीन किसने बनाई? ये आसमान किसने बनाया? ये रमजान में जो घटाकर हम लोग खाते हैं, जो पहने हुए हैं, ये जबान जिससे हम बोल रहे हैं, ये कान जिससे हम सुन रहे हैं, ये किसने बनाया? अल्लाह के किसी मखलूक ने? अरे यार, अल्लाह की कोई मखलूक, बड़ा से बड़ा डॉक्टर, अगर हमारा कान खराब हो जाए, हमारी जबान गुंग हो जाए, अल्लाह ना करे, कोई डॉक्टर अगर अल्लाह ना चाहे तो नहीं दवा इलाज कर पाता है। देखो ना कोरोना, देखो ना कोरोना, अल्लाह महफूज रखे। तो ये नाइंसाफी है कि नहीं? ये जुल्म है कि नहीं? यकीन है इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। और आगे बढ़ते हुए हम बतलाएंगे शिर्क की कबाहत, कि अल्लाह ताला ने शिर्क के बारे में सूरह हज की आयत नंबर 31 के अंदर क्या फरमाया है, जरूर देखिएगा। अल्लाह ताला फरमाता, वमन यशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समाए, जिसने भी, यहां जात पात नहीं है, नेशनलिटी नहीं है, काले गोरे का ये फर्क नहीं है, आलिम और जाहिल का मामला नहीं है, ऊंच नीच का मामला नहीं, अल्लाह ताला ने आम कह दिया। वमन युश्रिक बिल्लाह, जिसने भी अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया, अल्लाह के हक में, अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में, जिसने भी किसी गैरुल्लाह को भागीदार बनाया, शरीक, साझीदार बनाया, शरीक बनाया, फकअन्नमा खर्र मिनस समा, तो गोया वो आसमान से टपक गया, गिर पड़ा औंधे मुंह, आसमान से औंधे मुंह गिर पड़ा। अरे यार, चार फ्लोर के बिल्डिंग की छत से अगर कोई आदमी नीचे के रोड पर औंधे मुंह गिरे तो उसकी नाक, उसके दांत, उसके आंख, उसके भेजे का क्या हाल होगा? अल्लाह ताला ने, जरा सोचिए, तफसील का वक्त नहीं, अल्लाह ताला फरमाता, और जिसने मयूसर बिल्ला, जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है, तो गोया वो आसमान से टपका दिया गया, पटक दिया गया, गिरा दिया गया, अल्लाह ताला महफूज रखे इससे। फतख्तफिहु अत्तैर, गिनने लगा था चिड़िया, गिद्ध, चील उसे उचक ले गई, नोच खा रही है, खावा करके अपनी चीजें लेके फेंक देंगी, और तहबीब ही रेह या हवा उसको लेकर के इधर उधर पतंगों के मानिंद ले जाकर के कहीं निहायत दूर दराज इलाके में फेंक देती है। ये शिर्क का अंजाम, जो भी अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता उसकी मिसाल ऐसे समझिए कि गोया वो आसमान से पटक दिया गया है जमीन के अंदर, और रास्ते में चिड़ियों ने उसे, गिद्ध और चीर और चिड़ियों ने उसे उचक लिया और ले जा करके कहीं खा पी के, नोच नाच के, मारने कहीं ले जा करके फेंक देते हैं, या हवाओं के साथ, जैसे हवा आंधी चलती है, तूफान चलता है, बाउंडर चलता है, और हवा तिनकों को लेकर के मारने के ले जा करके दूर दराज गैर मुनासिब जगहों पे फेंक देती है, यही उसका अंजाम होगा। अल्लाह ताला ने सूरह अनआम की आयत नंबर 88 के अंदर बयान फरमाया, वलौ अशरकु लहबित अनहुम मा कानू यअमलून, अगर ये लोग भी शिर्क करेंगे
तो उनके सारे करतूत, सारी नेकियां, सारे अमाल राइगा हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जैसे 60 साल तक होप कमाया, होप बनाया, दुनिया की सारी दौलत बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया और आग लगी 1 सेकंड के अंदर निगाहों के सामने हमारी 60 साल की सारी बनाई हुई जायदाद खाक कर दी गई, क्या असर होगा? अल्लाह ताला कहता है कि वलो अशरकू, अगर उन लोगों ने भी शिर्क किया, नबी हो या वली हो या रसूल हो, तो उनके सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, बेवैल्यू कर दिए जाएंगे, बेफायदा कर दिए जाएंगे। जरा देखिए, इससे पता चला कि शिर्क से बढ़कर कोई गंदगी, खबासत, कबीह चीज, नुकसानदेह चीज है ही नहीं। अरे बाप, 50 साल की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ज़िक्र अज़कार, तौबा इस्तग़फ़ार, इंसानों के साथ हुसन सुलूक करना, अच्छा अख़लाक़ करना, दीन की तालीम हासिल करना, दीन की तालीम देना, हर एक के लिए सहारा बनना, बर्बाद कर दिया गया, हत कर दिया गया। किसकी वजह से? शिर्क की वजह से। शिर्क अगर है तो कोई भी अमल सूदमंद नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 65 अल्लाह ताला फरमाता है, वलो अशरक, अल्लाह ताला फरमाता है, वलकद ऊहिया इलैका व इलल लदीन मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन। ध्यान से इस आयत का तर्जमा सुनिए। नबी को अल्टीमेटम दिया जा रहा है, रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ से अल्टीमेटम पा रहे हैं कि ठीक है ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नेक बंदों के महबूब, अल्लाह के फरिश्तों के महबूब, अल्लाह के वलियों के महबूब, आप महबूब हैं, लेकिन आपका बड़ा मकाम और रुतबा है रब्बे कायनात के यहां, बल्कि आपसे पहले भेजे जाने वाले नबियों के हर कियामत तक सारे लोगों के बड़ी भारी हैसियत और शान आपको मिली है, है? लेकिन अगर आपने भी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन लो, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपका सारा अमल खाकिस्तर कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये मैं तुम्हें ही नहीं बतला रहा हूं, अल्लाह ताला आपसे पहले जितने भी नबी आए, आदम हो, नूह हो, इब्राहिम हो, याकूब हो, मूसा हो, ईसा हो, या जितने भी पैगंबर, जितने भी नबी और रसूल आए, सबको अल्लाह ताला ने ये अल्टीमेटम दे दिया, सबको ये बतला दिया, सबको ये आगाह कर दिया, कहे इब्राहिम, अय मूसा, अय ईसा, अय याकूब, या लूत, अय दाऊद, ऐ नूह, अगर तुम लोगों ने भी शिर्क किया तो पूरी जिंदगी की सारी नेकियां तुम्हारी अकारत कर दी जाएंगी। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 65, जरा देखिए अल्लाह ताला फरमाता है, वलकद ऊहिया इलैक, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जानिब यह बात वही की गई है, व इलल लदीन मिन क़ब्लिक, और आपसे पहले भी जितने नबी और रसूल आए, सबके जाने जानिब, सबके तरफ ये पैगाम पहुंचा दिया गया है, लइन अशरकता, अगर तुमने शिर्क किया, लयहबतन्ना अमलुक, तो यकीनन जरूर बजरूर तुम्हारा अमल बर्बाद कर दिया हो जाएगा, वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, और तो खसारा और नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। इससे पता चला कि शिर्क इतना खतरनाक जुर्म और गुनाह है कि इससे सारा का सारा नेक अमल बर्बाद हो जाता है, बेसुध हो जाता है। और इसीलिए देखिए सूरह इब्राहिम खोलिए आयत नंबर 35, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जहां इस बलदे अमीन मक्का के अमन अमान के लिए दुआ किया, हजरत इब्राहिम जो इमामुल अंबिया है, इमामुल तौहीद है, बड़े ऊंचे रुतबे वाले नबी, उलुल अज़्म और साहसी रसूल है, अल्लाह वो दुआ करते हैं कि एला
कि मक्का को तो अपना अमान का स्थान बना दे। और क्या दुआ करते हैं शिर्क की खतरनाकी देखे, वजनुबनी व बनिया अन्ना अब्दुल असलाम, तो हमें भी बचाए रख, हमारे बच्चे की भी हिफाजत फरमा कि हम बुतपरस्त हो जाएं, हम शिर्क करने वाले हो जाएं, हम बुतों की पूजा करने वाले हैं। जिस तरह बुतों की पूजा करना, उनके सामने चढ़ावे चढ़ाना, उनका तवाफ करना, उनके लिए नजरों नियाज करना, उनकी दुहाइयां देना, उनसे मांगना, उनकी उस तरह तारीफ करना जिस तरह अल्लाह की तारीफ होनी चाहिए, उनसे लौ लगाना, उनसे डरना, उनसे उम्मीद रखना, ये कुफ्र है, शिर्क है कि नहीं है। ऐसे ही गौस के नाम की दुहाई देना, अजमेरी से मांगना, नबी से मांगना, याकूब से मांगना, मीकाइल और जिब्राइल से मांगना, या वो अमल जो जिसका हमदार अल्लाह ताला ही है उनसे करना, ये कहते हैं बचाए रख। हाय रे हाय, ये सारे कुरान की आयतों के होने के बावजूद शिर्क उम्मत के अंदर, कब्र परस्ती आम है, कब्रों को उस तरह, कब्रों पे उस तरह खर्च किया जाता है कि गरीब उस पर नहीं खर्च किया जाता, कब्रों का तवाफ किया जाता है, कब्रों पे फूल और माले चढ़ाए जाते हैं, गैरुल्लाह के नाम सजदे किए जाते हैं, चले जाओ अजमेर, चले जाओ कछोचा, चले जाओ दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन, या जहां भी स्थान बने हुए हैं, जहां भी मूर्तियां बनी हुई हैं, वलियों के नाम पर मूर्तियां और बुजुर्गों के नाम पर मूर्तियां, देखिए अल्लाह और अल्लाह का अल्लाह से उम्मीद रखने के बाद के बजाय वलियों से उम्मीद रखी जाती है, उनसे फरियाद की जाती है, उनसे मदद मांगी जाती है, उनसे डरा जाता है, उनका कदर एहतराम किया जाता है। मा कदरुल्लाह हक्का कदरी, ये सब हजरत इब्राहिम शेख ने बाज रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में बतलाया जो है सूरह इब्राहिम की है, कि वजनुबनी वनिया, अल्लाह तो मुझे मेरे बेटे को इस बात से बचाए रख कि हम बुत परस्त हो जाए, बुत परस्ती करें। हजरत शेख ने बाज रहमतुल्लाह अलैह रहमत वासिया ने कहा कि इस आयत के अंदर शिर्क की खतरनाकी, खबासत, कबाहत, बदबू और गंदगी को वाज़ह किया गया। किस तरह? क्योंकि नबियों के, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम के बाद सारे नबियों के सरदार, हमारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लम के बाद नबियों के सरदार शिर्क से इस तरह खौफ ज़दा रहते थे, इस तरह डरते थे कि वो खुद दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह ताला तू हमें और हमारे बच्चे को, हमारी ज़ुरियत को बुत परस्ती शिर्क से बचा। हमें और आपको कितना शिर्क से डरना चाहिए, किस तरह अल्लाह ताला से हमें दुआ कर, हमें तो और ज्यादा शिर्क से घबरा। जब इमामुल अंबिया, इमामुल तौहीद, हमारे नबी के बाद इमामुल तौहीद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो शिर्क से इतना घबराते थे, इतना डरते थे कि वो अल्लाह ताला से फरियाद करते थे, दुआ करते थे कि बुत परस्ती शिर्क से हमें बचाओ, तो हमें कितना इससे डरना चाहिए। हाफिज बिन अहमद हकमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, ये जो आयतें इससे पहले मैंने बयान किया है इनकी तफसीर में, कि जमीन पर शिर्क सबसे अजीम और बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला की जिन गुनाहों को करके नाफरमानी और मासियत की जाती है उनमें सबसे बड़ा अमल ये शिर्क है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको कुरान मजीद के अंदर आगाह कर दिया कि वो शिर्क कतान भी माफ नहीं करेगा। और यह भी बात जानिए, शिर्क करने वाले से बड़ा गुमराह, शिर्क की तरफ दावत देने वाले से बड़ा गुमराह, शिर्क की ताईद करने वाले से बड़ा गुमराह दुनिया के अंदर कोई नहीं है। और ये बात वाज़ह रहे कि कोई भी हो अगर उसका इंतकाल शिर्क पर हुआ है तो वो हमेशा हमेशा जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा और हमेशा हमेशा वो जहन्नम के अंदर रहेगा और रोज़े क़यामत उसका मुआविन, मददगार और हामी कोई नहीं होगा, ना उसका कोई दोस्त होगा और ना ही उसकी कोई सिफारिश करने के लिए तैयार होगा और ना ही कोई ऐसा सिफारिशी होगा जिसकी शिफात कबूल की जाए। और ये बात जान लीजिए कि शिर्क करने वाला
चाहे पूरी जिंदगी के सारे दिनों में, पूरी जिंदगी की सारी रातों में अपने वक्त को, अपने जिस्म को, अपने जहनो दिमाग को, अपने मालो जर को, अपनी औलाद को, चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो फरिश्ता, यहां तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, अगर हम लगा दें अल्लाह के राह में, लेकिन अगर अमल में शिर्क है, अकीदे में शिर्क है, कौल में शिर्क है, फेल में शिर्क है, तो सारा का सारा अमल राएगा और बर्बाद हो जाएगा। चाहे वो नबियों का मामला हो, चाहे वो रसूलों का मामला हो, चाहे वो अलियों का, आपको जितनी उम्र मिली है, सारी उम्र के सारे दिन, दिन के हर पल, हर सेकंड, हर लहदा, रात के सारे पल और सेकंड लहदा, आप कुछ भी हो, कितने भी इबादत गुजारो, आप लगा दें अल्लाह की इबादत और बंदगी करने में, अल्लाह का शुक्र अदा करने में, तरावीह पढ़ने में, रोजा रखने में, उमरा करने में, इफ्तार कराने में, खैर की बातें बांटने में, लेकिन अगर शिर्क पाया जाता है तो अमल सारा का सारा बर्बाद और रायगा हो जाएगा। यह है शिर्क की खतरनाक। लिहाजा मेरे मुसलमान भाई और साथियों, रमजान मुबारक हमें बताता है, रमजान मुबारक के रोजे हमारी ये तरबियत करते हैं कि हम शिर्क से चौकन्ना रहें, शिर्क से आगाह रहें, शिर्क से बचाएं, शिर्क से तौबा करें, शिर्क से लोगों को आगाह करें, और चाहे वो छोटा शिर्क हो, चाहे वो बड़ा शिर्क हो, हम उससे अपने आप को बचाएं। अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैआ व अना आलम व अस्तगफिरुका लिमा ला आलम। अल्लाह ताला हम सबको कुफ्र से बचाए, कुफ्र की खबासत और गंदगी से बचाए, कुफ्र की खतरनाकी से बचाए, शिर्क से बचाए, शिर्क की खबासत और कबाहत और गंदगी से बचाए, शिर्क करने वालों से बचाए, शिर्क की तायीद करने वालों से बचाए। अल्लाह ताला हम सबों को कुफ्र करने वालों को सही दावत देने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क करने वालों को की सही रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे कलमों में, हमारी जबानों में असर डाल दे कि लोग शिर्क से आगाह हो जाए और शिर्क से बचाएं। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।